और मौलाना साहब 25 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। कितनी बार मसला कश्मीर उठाया। वजीर इत्तला पंजाब मियां असलम इकबाल की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। बोले, मौलाना साहब आपको कश्मीर नहीं कश्मीर कमेटी याद आ रही है, वो फंड याद आ रही हैं जो कश्मीर कमेटी से आते थे। मोदी जब रायबंद आया था तब भी कश्मीरियों का कातिल था। आपने नवाज लीग से मसला कश्मीर पर कितनी मर्तबा बात करने की कोशिश की। मौलाना साहब आप 20-25 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आपने कितनी दफा असेंबली के अंदर कश्मीर की बात की है, आपने कितनी दफा सिफारिशात कश्मीर कमेटी के हवाले से असेंबली के अंदर दी हैं, आप कितने ममालिक में जाकर आपने कश्मीर के हवाले से बात की है। जब मोदी लाहौर के अंदर रायबंद में आया था उस वक्त भी वो मुसलमानों का कश्मीरियों का गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था, कि आपने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होने के नाते आपने कभी उसकी आवाज कभी बात आपने उस वक्त की हुकूमत से नवाज शरीफ से की थी। आज आपको कश्मीर याद आ रहा है, आपको कश्मीर नहीं याद आ रहा, आपको कश्मीर कमेटी याद आ रही है, क्योंकि कश्मीर कमेटी के अंदर जो करोड़ों अरबों रुपए के फंड थे वो आपने इस्तेमाल किए हैं। आज पहली बारी आप इख्तदार से बाहर हुए हैं, इस वजह से आपको मसला आ रहा है। आपका इस्लाम से नहीं इस्लामाबाद से ताल्लुक है।